मॉरल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, सही गलत सगा गैर इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है उसके लिए, अगर उसको अपनी चीज़ हासिल करनी है या करनी है। और हम यहाँ काम करने आए हैं, वाकई हकीकत में थोड़ी दुश्मनी है वो तो कैमरे के सामने जब एक्शन होगा तब तो वो निकलेगी। रिस्पॉन्स इज़ गुड, वो सरप्राइज़ के ऐसे ऐसे लोगों ने उस पर रिएक्ट किया है और बोला है जो दूसरे चैनल हेड्स हैं या चैनल्स में हैं, सो दे हैव अप्रिशिएटेड व्हाट दे हैव सीन। तो अच्छा लगता है कि ये चलो यू नो ये चीज़ रजिस्टर हुई, क्योंकि वो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अगर आपको कमेंट करता है या लाइक करता है या आपको कोई मैसेज लिख के भेजता है कि अरे ये हमने देखा और उसका जिक्र करता है, दैट मीन्स इट हैज़ रजिस्टर्ड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, अब यू नो बाकी के जब हम एपिसोड्स डिलीवर करेंगे सो दैट इज़ अनदर प्रोसेस, बट रजिस्टर हुआ है एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम सब ऐसे होते हैं ऑनेस्टली सिचुएशन के हिसाब से, जब दूध वाला सुबह में दूध नहीं ला के देता और सुबह में कॉफ़ी पीने की आदत होती है तो उसके हम कर देते हैं बराबर, तो हम बुरे बन जाते हैं। तो वैसे ही सत्य है, सिचुएशनली बुरा है, बट उसके सिचुएशन बहुत बड़े हैं, जैसे कि वो कहीं की ज़मीन खाली करवानी है तो वहाँ किस लोगों को वो हटा देगा, तो उसके वैसे सिचुएशन हमारे आम घर की तरह सिचुएशन नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हम में होती हैं। और प्रॉबेबली शुरुआत में सत्या में ये चीज़ें घर के अंदर होंगी, वो बढ़ती 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 अब वो चीज़ों को बाहर भी ले गया और उसका वो मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया उसके बुरे होने का। मॉरल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, सही गलत सगा गैर इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है उसके लिए, अगर उसको अपनी चीज़ हासिल करनी है या करनी है तो ये उसका फंडा है लाइफ का। और पैसे और अच्छी चीज़ों की तरफ बहुत बड़ा रुझान है उसका। सबसे पहले दबंगी, अगर आप दबंग दबंगी सुनो तो सलमान भाई का चेहरा सामने आता है, तो एक मुस्कुराहट आई थी कि अरे वाह। उसके बाद बस फिर जब नरेशन सुना गया तो यही समझ में आया कि यार दबंगी बेसिकली मैं जो समझता हूँ कि यार एक ऐसा इंसान या ऐसी क्वालिटी है जो सच बोलने से या सही करने से कतराता नहीं है, यू नो, क्योंकि वो सही कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए एज अ क्वालिटी वो दबंगी, एज अ वर्ड वो दबंगी के मायने रखता है। हाँ, बस ये होता है कि कितनी बार वो दबंग होने के लिए या बनने के लिए आपको किसी ना किसी की बैंड बजानी पड़ती है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, और उसमें मज़ा भी आता है। मानव से पहचान तो बहुत पहले से, आई थिंक हमने स्ट्रगल ही साथ में उसी दौर में शुरू की थी, काम कभी नहीं किया, बस बहन बीच में माली हालत ज़रा ख़राब थी तो एक बीच में कैमियो आया था, वो एक शो करता था, तो आई हैड डन सम एपिसोडिक इन दैट, वो तब काम किया था। बट जान पहचान है और रिस्पेक्ट है, बिकॉज उसका बॉडी ऑफ वर्क मैंने देखा है, वो भी बहुत रिस्पेक्ट करता है एंड वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो जब आप ऐसे किसी के साथ काम करते हैं जिसको अपना काम पता है और पता है कि उसे क्या करना है, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट हो जाती है। और हम यहाँ काम करने आए हैं, वाकई हकीकत में थोड़ी दुश्मनी है वो तो कैमरे के सामने जब एक्शन होगा तब वो निकलेगी, तो माहौल बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा है, यकीन नहीं होता अब तक सही में, वाकई में, मतलब तस्वीरें देखो तो भी लगता है कि अरे सही में, मतलब हम कैन जाके पेरिस जाके सॉरी फ्रांस जाके वापस भी आ गए। अनबिलीव, कभी सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म वहाँ जाके आ जाएगी, और बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए, क्योंकि हमें बुलाया गया था वहाँ पे हमारी फ़िल्म को प्रेजेंट करने के लिए, हमें रेड कारपेट दिया गया ग्रैंड थिएटर लुमियर, जहाँ जो कोई ऐसा वैसा थिएटर या हर किसी को स्क्रीनिंग का मौका नहीं देता। सो इट्स द बिगेस्ट अवार्ड इन माई एंटायर एक्टिंग करियर टिल डेट।